प्रदेश युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री से युवा आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग करेगा। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रांची स्थित कांग्रेस भवन में रखी गई थी, जिसमें सभी जिलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। विभिन्न मुद्दों को लेकर यह बैठक रखी गई थी। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक की गई है, जिसमें अहम मुद्दे इस प्रकार हैं कि कुछ लोगों की पार्टी विरोधी काम करने की शिकायत आई है, इसकी जांच होगी और फिर उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मुद्दा यह है कि हम लोगों ने उन क्षेत्रों के जन मुद्दों को लेकर एक सवाल का लिस्ट तैयार किया है जहां हमारे विधायक नहीं है। जो योजनाएं वहां लटकी पड़ी है उसको लेकर हम आने वाले विधानसभा सत्र में अपने विधायकों से सवाल करने के लिए कहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा आयोग का गठन 2013 में ही हो चुका था, लेकिन इसमें भर्तियां नहीं हुई थी, इसलिए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनके युवा आयोग के पुनर्गठन की बात करेगा। साथ ही साथ जिस प्रकार महिला आयोग और दूसरे आयोग को शक्ति प्रदान की गई है, उसी की तर्ज पर युवा आयोग की भी शक्ति प्रदान की जाए, ताकि युवा आयोग युवाओं की बातों को, उनके समस्याओं को राज्य के सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचा सके और उनकी समस्याओं का निपटारा कर सके। उन्होंने युवाओं के रोजगार पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बेरोजगारी भत्ते के पंजीकरण की शुरुआत कराई है, जिसके तहत जिन युवाओं को सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से एस के समीर की रिपोर्ट। पूरे परिवार ताकतवर बनता है उससे, लेकिन फिर भी ये हौसला अभी है और रहेगा। परिवार में जहाँ पे मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और आगे लड़ूंगी, क्योंकि सही मायने में पूछे तो मैं युवा कांग्रेस की राजनीति नहीं करना चाहती। समीक्षा बैठक है, इसके मुख्य उद्देश्य दो तीन चीजें हैं कि पहला तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ पार्टी विरोधी काम करने के कंप्लेंट्स आई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जो कमेटी जांच करेगी हर व्यक्ति पे जो आरोप लगे थे कि वो आरोप सत्य हैं या नहीं है। तो सत्य पाए जाएंगे तो जो भी वो कमेटी रिकमेंड करेगी एक्शन, वो एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा।